भगवान महावीर विश्वविद्यालय के इस कैंपस में आज आप सबके बीच में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान महावीर के नाम का विश्वविद्यालय नाम से ही विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, संस्कार, सुसंस्कृत विचार, भगवान महावीर के विचार, सिद्धांत और मानव दर्शन को दिए गए उनके सिद्धांत और विचार आज भी दुनिया के अंदर मानवीय दृष्टिकोण परिवर्तन और मानवीय दृष्टिकोण की दिशा देने का काम करते हैं। इसलिए जिस विश्वविद्यालय और जिस कैंपस का नाम भगवान महावीर हो वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी विशेष रूप से सौभाग्य है नहीं आएगा कि उनको इस विश्वविद्यालय में अध्ययन, रिसर्च, शोध और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री संजय जैन जी, ट्रस्टी अनिल जैन जी, हमारे सीनियर एडवोकेट प्रवेश कर्मा जी, निर्मल शर्मा जी और यहां पर आए सभी अतिथिगण, विद्यार्थी साथियों, आज मुझे खुशी है कि देश के अंदर आने वाले समय में हम इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से देश की और विश्व की चुनौतियों का समाधान इन कैंपस से निकालना चाहते हैं और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जो हमारी शिक्षा नीति है, हमारी पॉलिसी है, लेकिन उसके साथ साथ वो आयामी जो दुनिया के अंदर परिवर्तन युग की ओर विज्ञान, टेक्नोलॉजी और उसके माध्यम से जो चुनौतियां हैं उनका समाधान भी हम आने वाले समय विश्वविद्यालयों के कैंपस से निकालेंगे। यहां लोग के विद्यार्थी भी बैठे हैं, देश के अंदर हमारा लोक का विद्यार्थी किस तरीके से भारत के लोकतंत्र के अंदर, भारत की सरकार के अंदर, लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर चुनी सरकार में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ राज्यों में केंद्र में एक बेहतर कानून बने और उस कानून बनाने के अंदर हमारे नौजवानों की सक्रिय भागीदारी रहे। भारत जब आजाद हुआ था तो हमने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया और दुनिया के अंदर आज भी शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र है और दुनिया के अंदर जिन देशों ने भी आजादी प्राप्त की या जहां पर भी लोकतंत्र नहीं वहां भी इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक दिखे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करने का प्रयास करे। उसमें लोक के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। कोई समय होता जब वो एक साल की होती थी, अब तीन साल की, पांच साल की लोकल कोर्स है, लिटिगेशन बढ़ गए हैं और इसलिए कानून का शासन हो, शासन कानून की पालना करे, सबको समानता, सबको न्याय, सबको अधिकार मिले,
इसके लिए कानून के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था का अध्यक्ष हूं, उस नाते मैं समझता हूं कि जब हमारे कानून बनते हैं, उस कानून बनते समय जब संसद में चर्चा होती है, संवाद होती है, उस संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी नौजवानों की रहेगी, उतना ही शासन और प्रशासन में पारदर्शिता जवाब दिया है। और इसके लिए लोके विद्यार्थियों का बड़ा योगदान इस देश के अंदर लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए भी और जवाबदेही के लिए भी बहुत आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा कि इनोवेशन और रिसर्च दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में जहां बौद्धिक क्षमता के माध्यम से विद्यालय महाविद्यालय तो चलाए से संचालित किए, लेकिन उन्होंने साथ के साथ अपने विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, नए नवाचार, उसको भी प्राथमिकता दी, जिसके कारण उन विश्वविद्यालयों के अंदर नए रिसर्च, नए टेक्नोलॉजी के कारण उस देश की समस्याएं, चुनौतियां, समाज जीवन के अंदर आने वाली भविष्य की चुनौतियां, वर्तमान चुनौतियां, उनका समाधान उन विश्वविद्यालयों से निकला। और इंडस्ट्री सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चिकित्सा का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर उन विश्वविद्यालयों के अंदर बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अध्ययन के साथ साथ उस बच्चे के इनोवेशन की क्षमता को भी डेवलप किया है। लेकिन उन्होंने रिसर्च बहुत पहले से शुरू किया हुआ, इनोवेशन बहुत पहले से शुरू किया हुआ, ये बात सही है। मैं भी देश के विश्व के कई विश्वविद्यालयों में गया, मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं कभी बाहर जाता हूं तो किसी न किसी विश्वविद्यालय के कैंपस में जाऊं, वहां के विद्यार्थी, नौजवान किस तरीके से बदलती परिस्थिति में काम कर रहे हैं। मैं आज ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों की जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी ऊर्जा है, जो उनका इनोवेशन करने की असीमित शक्ति है, टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरीके से हमारा नौजवान तेजी से आगे बढ़ रहा है, नई सोच, नई विचार, नई तार्किक के कारण आज दुनिया के अधिकतम विकसित देशों के अंदर भारत के नौजवानों का योगदान है। आप दुनिया के किसी भी बड़े देश में चले जाओ, उस बड़े देश में आप देखेंगे कि वहां आईटी के अंदर कौन है तो भारत का नौजवान है, मेडिकल में बेस्ट डॉक्टर है तो भारत का नौजवान है, विज्ञान के अंदर कौन है तो भारत का नौजवान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है तो भारत का नौजवान है। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनी जो प्रोफेशनल तरीके से चल रही है, जिस कंपनियों को आर्थिक सामाजिक रूप से परिवर्तन करने का काम किया, तो उसमें कहीं ना कहीं सीईओ है तो भारत का नौजवान। इसलिए मानना पड़ेगा कि हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता पर्याप्त है, असीमित ऊर्जा है, साहस है, आत्मविश्वास है। और सबसे बड़ा जिस तरीके से विद्यालय का नाम है, उस तरीके आध्यात्मिक और सुसंस्कृत विद्यार्थी है, जिसके कारण वो भौतिक संसाधन होने के बाद भी भौतिक युग की तरफ न बढ़ते हुए आध्यात्मिक युग की तरफ भी है, जिसके कारण न वो तनाव में न अवसाद में, वह शिक्षा बढ़ी है, इनोवेशन बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ भौतिक वस्तुओं के उपयोग की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण कहीं न कहीं वहां के विद्यार्थियों में तनाव है, अवसाद है, और जिसके कारण उस अवसाद और तनाव के कारण शांति और आध्यात्मिक शांति का कोई रास्ता उनके पास है। ये भारत की धरती का गर्व है, जहां पर हम कह सकते हैं
कि हमारी प्राचीनतम व्यवस्था के अंदर भी हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति हो, चाहे आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति हो, उसके अंदर हम भारत को बौद्धिक क्षमता का तो डेवलपमेंट करने का काम तो करते ही, आने वाले समय में इनोवेशन नए रिसर्च के संसाधन भी उपलब्ध करा रहे हैं, उसके साथ साथ मानवीय दृष्टि से जीना, मानवीयता सभ्यशील के साथ जीना, ताकि आध्यात्मिक और धर्म, अपना अपना धर्म, जो जिसका धर्म है, उस धर्म के अंदर भी कहीं न कहीं संवेदना होती है, मानवता होती है, उसके कारण हमारा नौजवान सिस्टम है। और इसीलिए मैं यहां के अध्यक्ष ट्रस्टी, यहां के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जैसा नाम वैसी शिक्षा वैसे विचार आपने यहां पर शुरू किए हैं, और जहां पर सवाल लोकतंत्र के अंदर नौजवानों की सक्रिय भागीदारी का, अगर देश में लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, राजनीति को गतिशीलता बनानी है, राजनीति में शुद्धता लानी है, तो भारत के नौजवानों को हमें सक्रिय भागीदारी निभानी होगी, क्योंकि भारत के नौजवान में ही अपार शक्ति है, साहस है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य है, ये भारत के नौजवान में है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के नौजवानों को अगर राजनीति के अंदर शासन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन लाना है, तो हमें कहीं न कहीं राजनीति के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाना। राजनीति शब्द के अंदर कहीं न कहीं लोग ये समझने लगे थे राजनीति के चापलूस, कुटिलता, धोखेबाजी, ये शब्दों का प्रचलन एक लंबे दशक तक भारत की राजनीति में चला, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति के माध्यम से ही देश और विदेश की नीतियां और कार्यक्रम श्रेष्ठ बनाने में राजनीति के अलावा और संसदीय लोकतंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब संसदीय लोकतंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है, सबसे शासन की पद्धति है ये, और जिस समय हमारे आजादी मिली थी उस समय भी हमारे संविधान बनाने वालों ने सारी की सारी शक्ति जनता को दी। इसलिए दुनिया के अंदर कई देशों के अंदर मतदाता कई पुरुष होते थे तो महिलाएं नहीं होती थी, कई मतदाताओं के अंदर विभाजन किया जाता था, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसने आजादी के बाद जब संविधान बनाया तो सबको समान अधिकार बनकर, ये हमारी ताकत है, जनता का शासन और जनता द्वारा संचालित, ये हमारी ताकत और सामर्थ्य ताकत है कि 17 आम चुनाव के बाद भी जिस तरीके से सहज सत्ता का हस्तांतरण, ये हमारे लोकतंत्र की शुद्धता की ताकत है। चाहे राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो, चाहे संसद के चुनाव हो, आपने देखा होगा कितने बड़े लोकतंत्र के अंदर 90 करोड़ मतदाता। जब मैं विश्व के कई देशों में जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि आबादी कितनी है, कोई की आबादी 10 लाख, कोई की 5 लाख, कोई 20 लाख, और बड़ा देश हो तो 20 करोड़ 25 करोड़। जब उनको पता चलता है कि 90 करोड़ मतदाता भारत में मतदान करते हैं, और आज तक हमारे यहां मतदान के अंदर पॉलिटिकल सवाल उठा दे, लेकिन हमारी चुनाव की जो पारदर्शिता है, वह पारदर्शिता दुनिया के अंदर लोकतंत्र को एक मार्ग दिखाने की हमारी दिशा है। दिल्ली की संसद तक हमारे चुनाव चुने हुए प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने ग्राम पंचायत भी दिए, नगर पालिका भी दिए, नगर निगम भी दिए, विधानसभा दिए, लोकसभा, हर प्लेटफॉर्म पर हर व्यक्ति की अधिकार रेखांकित किए हैं, अधिकार निश्चित किए गए हैं, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाने की प्रयास किए। लेकिन अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाना है तो
मेरे भारत के नौजवानों को उसमें सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी, उनको सुशासन लाने के लिए, अच्छा शासन लाने के लिए। एक जवाबदेही, एक भारत के नौजवान जवाबदेही से काम करने की जवाबदेही से भागीदारी बने और एक अच्छा शासन, पारदर्शिता शासन लाए जो जनता की जवाबदेही से काम कर सके। और हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर, भारत की आजादी के बाद इस 75 साल में जो भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किया, लोकतंत्र के माध्यम से किया। जब देश आजाद हुआ था तो हम 18% साक्षर थे, आज हम 80% से ज्यादा साक्षर हैं। हमारे आर्थिक परिवर्तन को आप देखेंगे तो पहला बजट, और जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि 175 करोड़ का पहला बजट था और अब 40 लाख करोड़ का बजट है। ये भारत के अंदर आर्थिक परिवर्तन हमने देखा और हमने जिस तरीके से 75 साल की यात्रा में हमने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए, हमें खुशी है कि इस एक दशक के अंदर, आने वाले दशक के अंदर भारत के इस लोकतंत्र के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करेगा। और इसलिए मैं खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश इस 25 साल की लोकतंत्र की यात्रा जो हमारी आगे शुरू होनी है, जिन बच्चों की उम्र, जिन नौजवानों की उम्र भी 25 साल है, जब वो 50 साल होकर इस भारत के सपने को देखेंगे तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को देखेंगे। तो सामाजिक आर्थिक हर क्षेत्र में दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। आज हमारी बौद्धिक क्षमता, इनोवेशन, नई सोच के कारण 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप जो आपने आज शुरू किया, आने वाले समय विश्वविद्यालय नए स्टार्टअप को निकालेगा, 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप। और 70,000 स्टार्टअप के अंदर आप जब नौजवानों से मिलोगे तो आपको लगेगा दुनिया की हर चुनौती, आज की चुनौती, भविष्य की चुनौतियों का, हर चुनौतियों का समाधान, हर आपदा संकट का समाधान भारत का नौजवान दुनिया को देगा। यह हमारी ताकत और सामर्थ्य शक्ति है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब आजादी के 100 साल होंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा और हम हमारी विरासत को भी याद रखेंगे, आधुनिकता की ओर भी बढ़ेंगे। यह हमारा संकल्प है, क्योंकि विरासत हमें नई प्रेरणा देती है, नई शक्ति देती है और आधुनिकता हमें नई सोच की दिशा की ओर बढ़ाती है। इन दोनों को लेकर भारत ने दिशा की ओर बढ़ रहा है। मुझे आशा है कि जो मैं सामने मेरे नौजवान विद्यार्थियों को देख रहा हूं, जो सपने मेरे नौजवान विद्यार्थी देख रहे हैं, जो आत्मविश्वास है, जो ऊर्जा है, असीमित सोचने की शक्ति है, नए विचार करने की, नए सोच की, नए अनुसंधान की जो ताकत है, आपकी इन्हीं ताकत, इन्हीं सामर्थ्य शक्ति के कारण भारत आने वाले समय विकसित राष्ट्र बनेगा, दुनिया के अंदर हर क्षेत्र में भारत नेतृत्व करेगा। और ये जिम्मेदारी मेरे नौजवान विद्यार्थियों की है। मैं पुनः भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के सभी संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कम समय के अंदर मेरे पास संजय जी आए थे। तो मैंने कहा आपके विश्वविद्यालय में आऊंगा, पहले कई बार आग्रह किया लेकिन सहयोग, आज आपके विश्वविद्यालय में आया, आकर बहुत खुशी हुई कि आपने जिस तरीके से इस कैंपस के अंदर शिक्षा, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, नए रिसर्च, नए इनोवेशन के सभी तरीके के शिक्षण देने का काम किया, आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी।